जब मेरा दिमाग तो 220 कंप्यूटर मारा खराब हुआ है। तो रुको जरा, एक बिग सरप्राइज दूंगा यार, दिल खत भी बनवा दे अगर बनता है तो। ओ भाई मारो मुझे। तो क्या था, कर लेते हैं। मैं मेरी डिवाइस उतार दें इसे पहले यार। और कोई आवाज उठा के घर ले जाती है ना तुझे। तो अब इनके काम है खिलाना, तो अब ये फंसे हैं, इन सैकड़ों ने मांगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपका भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। सीन आज का यूं है कि भाई लोग, मेरा दिमाग तो 220 कंप्यूटर मारा हुआ खराब हुआ है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर। आज आपका भाई बताएगा आपको, एक बिग सरप्राइज दूंगा यार। देखो उधर तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो फिर आपका भाई भी तो ऐसे मुँह ढाक नहीं ना जाएगा। तो अभी जा रहा हूँ बाजार, दो बंदों को मिलना है और पैसे शैसे देने हैं उनको। समझ रहे हो? एक तो नेट की फीस देनी है यार, नेट आजकल बहुत ख़राब है। उसके बाद जाना है, बाल शाल कटाने हैं, अच्छा बच्चा बनना है। आज दिल खत भी बनवा लें अगर बनता है तो। ओ भाई मारो मुझे। सब भाई का ब्लॉग में वेलकम हो गया, तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दो। तो अभी जा रहा हूँ बस बाजार की तरफ, इंशाल्लाह दो बंदों से मिलना है, नेट की फीस देनी और एक और काम है जरूरी, इंशाल्लाह वो करके ना तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे मलिक साहब को। अभी मेरा भाई बिग सरप्राइज का इंतजार होगा, तो थोड़ी देर तक मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल मैं पहुँच चुका हूँ, चेक कर लो, शॉर्टकट है, इधर से आया हूँ। तो अभी इंशाल्लाह बाल शाल कटिंग करा के ना फारग होता हूँ, तो फिर आपको मिलता हूँ। ठीक। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ये मेरा भाई, उसने चिट बना के दी है, ठीक हो गया, फिर गवाया हुआ। तो बहरहाल उसे मैंने बताया 3 महीनों की फीस है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, नेट बड़ा ख़राब है। तो कहता अभी कर लेते हैं। मैं कहा मेरी डिवाइस उतार दें इससे अच्छा यही है। क्या बात है सर, ये बात है। माशाल्लाह से देखें, बिल्कुल दुकान के सामने खड़ा हूँ, ये अपने भाई की दुकान है, बहुत प्यारे भाई हैं। तो मैंने उससे बोला है अभी मेरा नेट उतार दो, कि स्पीड जब नहीं आ रही तो क्या फ़ायदा है, ये आप ही बताओ। बात तो सही है। तो इस वजह से ना 3600 रुपया दिया, 3 महीने का कोई पता ही नहीं था, कॉल की या नहीं की, तो समझ ही नहीं आ रही थी। बहरहाल अभी कटिंग कराते हैं और फिर अगला सीन देखते हैं। Few inches later. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets caught through a big one eternity later. माशाल्लाह, ये चेक करो मेरे दोस्तों, कटिंग के बाद माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी कटिंग हो चुकी है, खत भी छोटा मोटा बनवा लिया है, बस ये चेक कर ले आप लोग। कटिंग मुकम्मल होने के बाद इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक। 2000 years later. ये मेरे भाइयों माशाल्लाह चेक करो, नमाज यासर अदा करने के बाद ये देखे खत, देखे माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, पहली बार बनवाया लेकिन ठीक हो गया माशाल्लाह। ये माशाल्लाह से बाजार की बड़ी मस्जिद है जी, दरबार के पास है, बिल्कुल सखी सैदुल शाह शिराजी दरबार। आज जुमरात है ना, इधर भी हाजिरी देते हैं माशाल्लाह, उधर भी चलते हैं, ठीक हो गए। ये सामने दरबार है जी, चेक कर लें। तो अभी इंशाल्लाह नमाज पढ़ने के बाद सीधा उधर चलते हैं, हाजिरी देते हैं और फिर आपको चेक कराते हैं, आज नमक भी चखेंगे। ये माशाल्लाह से बुजुर्गों की कब्र है, ये आप चेक कर लो माशाल्लाह। और आज हम नमक भी चखेंगे, नमक ये है जी, शुक्र है पिछली बार आए थे नहीं था, वो कोई आवाम उठा के घर ले जाती है ना तुझे। ये नमक खाने के बाद आपका बेड़ा पार है जी। फाइनली मेरा भाई लोग इधर दरबार में राजी देने के बाद अब मैं जा रहा हूँ वापस घर, क्योंकि एक ज़रूरी बंदे की कॉल आ गई है, बस वक्त मजबूरी। नमक भी हमने चखा है पहली बार माशाल्लाह से। बहरहाल चलो अभी चलते हैं घर की तरफ, ठीक हो गया। माशाल्लाह आपस की बात है, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, सच्ची बताना अच्छा लग रहा हूँ। देखो पर ऐसी मशीन से खत बनाया छोटा मोटा, भाई शौक था वैसे ही यार ऐसी भाई। चलो आपने शौक पूरा तो किया है ना, कटिंग माशाल्लाह से काफ़ी मज़े की हो चुकी है, अब बारी है, चले काम भी हमारा हो गया, कटिंग भी हो गई है, अब बारी है सरप्राइज़ की। तो भाइयों सरप्राइज़ अभी मैं बताऊं या ना बताऊं यार, दिल ही दिल में आप गालियाँ तो दे रही होगी, पता नहीं ये क्या कर रहा है, देगा भी सरप्राइज़ या नहीं देगा, क्यों नहीं इंशाल्लाह, क्यों नहीं ज़रूर दूंगा। बहरहाल एक बात, पिछले व्लॉग में आपने बड़ी अच्छी सपोर्ट दी है यार, काफ़ी इन्जॉय किया है, आपने भी इन्जॉय किया और मैंने भी किया है। तो उसके बाद देखो इतनी दर्द है पूरे जिसम में, मैं आपको क्या बताऊँ, फिर भी आपका भाई मेहनत कर रहा है, तो फिर आपने सपोर्ट तो लाजमी करना ही करना है ना। बहरहाल अभी मिलता हूँ आपको थोड़ी देर तक, मैं उसके साथ मिलूँगा ताकि उधर ही सरप्राइज बता दूँ, ठीक हो। नहीं मेरे भाइयों, मिलूँगा आपको 1 घंटे के बाद, वो इस वजह से कि काम था बहुत ज़रूरी। और अभी हम मिल चुके हैं हमारे बॉस, आप चेक करें माशाल्लाह से,
तो बिग सरप्राइज का आपको यार बेसब्री से इंतज़ार होगा। वो ये मेरे भाइयों के देखो कटिंग शटिंग भी करा लिया है और ऊपर से तैयारियां भी शुरू हैं, आपको मैंने बताया है माशाल्लाह से। तो फिर आप गैस करो क्या सरप्राइज़ होगा। सरप्राइज़ आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम दे रहे हैं जी सेकंड ईयर वाले को पार्टी। अरे कहना क्या चाहते हो। माशाल्लाह से जैसे पिछले बार माहौल था, काफ़ी अच्छी सपोर्ट आपने की थी, माशाल्लाह से आप भी खुश हुए थे और हमने भी इंजॉय किया था। और इस बार हमने देनी है जी मलिक साहब को पार्टी। ठीक हो गया जी ना, कॉलेज का दिल तो नहीं कर रहा। देखिए जी भाई लोग इसे छोड़े, पार्टी नहीं दे रहे, छोड़े हमारा बिल्कुल दिल। अब इन्होंने खाई भी है तो अब इनका काम है खिलाना। तो अब ये फंसे हैं, इनसे अगलों ने मांगे हैं पैसे, ये सोच रहे हैं दे ना दे। तो जब हमारी बारी आई थी हमने तो कहा यार फर्स्ट ईयर आई है, वेलकम करते हैं। अब हम जा रहे हैं तो इनका काम है हमें प्यार से अलविदा करना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। चले इनको बेसब्री से इंतजार है इस मॉल का, तो इंशाल्लाह देंगे हम पार्टी, जरूर देंगे, आपको भी चेक कराएंगे माशाल्लाह। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिछली बार तो हमने मॉल शॉल चेक किया था तो काफी मजा भी आया था आपको, साकी साकी पर डांस हुआ था। तो इस बार भी माशाल्लाह से बड़ा मॉल बनाएंगे इंशाल्लाह, रोमांटिक मॉल बनाएंगे। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आप भी खुश हैं ना, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। ठीक हो गया, तो इसी खुशी में आकर आपने बस एक काम करना है, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन नहीं होता सिर्फ एक बार क्लिक कर देना है उसे, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना है। वो तब कीजिएगा जब आपको ये पार्टी वाला व्लॉग चेक करोगे। ठीक हो गया माशाल्लाह से, बेसब्री से इंतज़ार है, काफ़ी तैयारियां हो रही हैं इस बार के फर्स्ट ईयर वाले ना धमाकेदार इंशाल्लाह एंट्री करेंगे और इनको चेक कराएंगे। बहरहाल चलें, वो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता ही चल जाएगा। अभी हम जा रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी काम है। अब काम कारी वाले लोग हैं ना तो क्या कर सकें, छोटे मोटे काम तो है नहीं, बड़े काम है, मीटिंग शीटिंग होती हैं। तो फिर आप मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद ही। लेट है आओ। फाइनली गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वैसे आज ली हुई थी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, लेकिन डॉक्टर साहब तो नहीं आए हुए थे, तो आगे से रोज़ा भी बंद रहा है। तो मेरा दिल था भी आज ये काम ख़त्म कर देते, कोई थोड़ा बहुत क्लियर करा देते ना काम, तो इस वजह से ना, तो रमज़ान में तो फिर रोज़ा रखा होगा तो फिर काम ख़राब होता है ना, रोज़े का टूटने का खर्चा होता है। बात तो सही है। तो इस वजह से बहरहाल चले इंशाल्लाह, आज ट्यूशन से भी छुट्टी की थी। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। बात जो बिग सरप्राइज आपको बताया है माशाल्लाह से, तैयारियां तो काफ़ी हो रही हैं। बहरहाल चले इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको तमाम धमाकेदार वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।